हेलो एंड वेलकम टू रेसिपीज फ्रॉम इंडियन किचन। आज की रेसिपी है क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी मेथी पकोड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी के पकोड़े बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम मेथी को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद हम बिल्कुल महीन इसे बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करके एक बाउल में हम इसे रख लेंगे और अब हम अपना बेसन तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन के ले लिए हैं। अब इस 1.5 कप बेसन में हमें 1.5 चम्मच सूजी ऐड करना है, यानी जितने कप बेसन उतने चम्मच सूजी के, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी साथ में ऐड होंगे। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ले लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, या आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, ये हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये भी स्वाद के अकॉर्डिंग ही ले लें। हरी धनिया आप जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे फ्लेवर उतना अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने धनिया पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर का भी यूज़ किया है। आप पाउडर की जगह हरी धनिया ही ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे द किंग ऑफ द डिश, यानी कि मेथी। जो मेथी काट के हमने रखी है उसे धीरे धीरे ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसे 2 बैचेस में ऐड करूँगी, एक साथ नहीं, क्योंकि एक साथ डालने पे बेसन के साथ मिक्स करने में बड़ी परेशानी होती है, इसीलिए हम इसे 2 बैचेस में ऐड करेंगे। पहली बैच को डालने के बाद ऊपर नीचे करके बेसन बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो बची हुई मेथी है वो डालेंगे और उसे भी डाल करके बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये लास्ट है। अब सारी मेथी मेरी डल चुकी है, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 नींबू का रस ले लिया है। ये अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे, जैसे कि पकोड़ों का बैटर होता है। ये देखिए, इस तरीके से पानी डाल करके मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हींग ऐड करेंगे और हींग के साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। और साथ में मैंने यहाँ एक प्याज ऐड किया है, प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और अब सबको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है। और अब इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब सब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, ये पकोड़े तलने के लिए रेडी है। अब हम अपने पकोड़ों को तलेंगे। तलने के लिए पहले तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर उठा करके हाथ से इस तरीके से गोल करके यूं इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे बैटर को गोल गोल इस तरीके से बनाते हुए इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इस बैटर को थोड़ा और पतला करके चम्मच से भी गिरा सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने की वजह से ये बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल चिपकते भी नहीं हैं। तो आप इस बैटर को जितना मैंने सूखा रखा है इतने पे भी पकौड़े तल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें पानी और डाल करके थोड़ा गीला भी इसका बैटर बना करके रेडी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत ईजली ये पकोड़े बन जाते हैं। एक एक करके हम जितना भी कैपेसिटी हो आपके तेल की उतनी हम इसमें पकोड़े डाल लेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम अपने इन पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए, और बड़े इजीली से ये चिपकते नहीं हैं और ऊपर नीचे करके हम इन्हें बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए, और फिर हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं सर्विंग के लिए। इन्हें एंजॉय कीजिए हरी धनिया टमाटर की चटनी या फिर केचप के साथ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।